तो दोस्तों चेकआउट करो टाटा रेसर का इंटीरियर, ये आपका रिक्वेस्ट बर्तन है। गाड़ी को जो है अनलॉक करने के लिए दिखा देता हूँ मैं आपको कैसे इंटीरियर रहने वाला है। गाड़ी की अगर आप जो है सीट्स देखते हैं तो आपको जो है कुछ लेदर राइट सीट्स देखने के लिए मिल जाती हैं, रेसर की बैजिंग देखने के लिए मिल जाती है, साथ में जो है आपको जो है स्ट्रिप मिलती है वो आपको जो है रेसर की बैजिंग के साथ में देखने के लिए मिल जाती है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आईजोन व्हील की एक और नई वीडियो में। तो आज हम बात करने वाले हैं टाटा अल्ट्रोज रेसर की। रेसर में जो है तीन वेरिएंट्स आते हैं, तो हम सेकंड वेरिएंट के बारे में बात करने वाले हैं जो कि आपके सामने जो मौजूद है। बात कर लेते हैं इस गाड़ी के फ्रंट से। तो फ्रंट में अगर आप देखेंगे तो आपको हुड पे और जो है आपका रूफ पे आपको जो है रेसर की जो है स्ट्रिप देखने के लिए मिल जाती है। बात कर लेते हैं इसके जो है हेडलैम्प्स की। तो हेडलैम्प्स अगर आप देखेंगे तो आपको जो है प्रोजेक्टर लाइट्स और आपका हैलोजन लैम्प और एक तरफ इंडिकेटर यूनिट देखने के लिए मिल जाती है। कुछ ग्रिल आप अगर देखेंगे तो पियानो ब्लैक फिनिशिंग की जो है ग्रिल दी गई है। इसी के साथ में अगर बात करें तो यहाँ पे आपको फॉग लाइट और आपको डीआरएल का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है। कुछ पोर्शन अगर आप देखेंगे तो आपको जो है ब्लैक कलर का ही टचिंग दी गई है आपका जो है रेडिएटर ग्रिल पे अगर आप देखेंगे तो। फ्रंट की अगर मैं बात करूं तो आप देखेंगे टाटा का लोगो आपको यहाँ सामने देखने के लिए मिल जाता है, साथ में 360 डिग्री कैमरा भी आपको यही देखने के लिए मिलेगा। बात करें इस गाड़ी के ग्राउंड क्लियरेंस की, तो गाड़ी का ग्राउंड क्लियरेंस काफी अच्छा दिया गया है। रेडिएटर ग्रिल जैसे मैंने आपको बताया पियानो ब्लैक कलर की दी गई है, तो ग्राउंड क्लियरेंस कुछ इस तरह से देखने के लिए मिल जाता है। बात कर लेते हैं गाड़ी की साइड प्रोफाइल की। तो साइड प्रोफाइल में अगर आप देखेंगे तो कुछ इस तरह से गाड़ी जो है देखने के लिए आपको मिल जाती है। अगर आप देखेंगे तो फ्रंट हुड पे ही आपको जो है रेसर की जो है बैजिंग देखने के लिए मिल जाती है। साथ में अगर बात करें जो है आप कुछ इस जगह पे आप देख सकते हो रेसर की बैजिंग आपको देखने के लिए मिल रही है। बात कर लेते हैं अगर यहाँ पे जो है टायर साइज की, तो है आपको यहाँ पे जो है 16 इंच का जो है आपको जो है अलॉय व्हील देखने के लिए मिल जाता है जो कि आपका रेडियल टायर के साथ में आता है। बाहर वाले शीशे अगर आप देखेंगे तो यहीं पे आपको जो है 360 डिग्री कैमरा भी आपको कुछ देखने के लिए मिल जाता है जो कि पियानो ब्लैक फिनिशिंग के साथ में जो है बाहर वाले शीशे दिए गए हैं। और अगर आप देखेंगे ड्राइवर डोर पे तो आपको यहाँ पे जो है एक रिक्वेस्ट सेंसर देखने के लिए मिल जाता है गाड़ी के जो है डोर को लॉक अनलॉक करने के लिए। आइए गाड़ी का इंटीरियर दिखाता हूँ मैं आपको कैसा देखने के लिए आपको मिल जाता है। तो बात करें अगर गाड़ी के डोर्स की, तो यहाँ पे आपको जो है कुछ पावर विंडो के स्विचेस देखने के लिए मिल जाते हैं, बाहर वाले शीशे इलेक्ट्रिक एडजस्टेबल के लिए मिल जाते हैं, कुछ आपको जो है यहाँ पे यूटिलिटी स्पेस देखने के लिए मिल जाती है। आपका ट्विटर्स और आपको जो है स्पीकर्स दोनों ही आपको जो है चारों ही डोर्स पे आपको जो है देखने के लिए मिलते हैं। कुछ आपको जो है मेटल फिनिशिंग का जो है डोर हैंडल दिया गया है। बात करें गाड़ी के सीट्स की, तो सीट्स अगर आप देखेंगे तो आपको जो है लेदर राइट सीट्स देखने के लिए मिल जाती है, जिसमें आपको जो है रेसर की बैजिंग देखने के लिए मिल जाती है। ऑरेंज कलर की जो है स्टिच किया हुआ है आपको यहाँ पे जो है सीट देखने के लिए मिलती है। और जो है ड्राइवर सीट, इसमें आपको यहाँ पे जो है हाइट एडजस्टेबल देखने के लिए मिल जाती है। और ये आप जो देखेंगे तो आपको जो है रेसर की स्ट्रिप भी यहाँ पे आपको कुछ देखने के लिए इस जगह मिल जाती है। इंटीरियर जो है तीनों ही वेरिएंट्स का लगभग सेम रहने वाला है, कुछ कॉस्मेटिक चीजें चेंज किए गए हैं। तो अभी हम बात कर रहे हैं रेसर टू वेरिएंट की। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको जो है कुछ वॉल्यूम के बटन देखने के लिए मिल जाते हैं। स्टीयरिंग व्हील पे एक तरफ आपको जो है क्रूज कंट्रोल का बटन देखने के लिए मिल जाते हैं, और स्टीयरिंग काफी जो है काफी कॉम्पैक्ट सा है आप बोल सकते हो ड्राइविंग के लिए। यहाँ पे आपको देखेंगे तो पूरा न्यू आपको जो है यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जो है बिल्कुल न्यू देखने के लिए मिल जाता है, जो कि अभी सिर्फ जो है जितने फेसलिफ्ट हुए हैं उन गाड़ियों में आ रहा है या फिर ईवी में आ रहा है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आपको पुश बटन स्टार्ट देखने के लिए मिल जाता है, 360 डिग्री कैमरे का ऑप्शन दिया गया, डोर को अनलॉक अनलॉक करने के लिए दिया गया, साथ में जो है आपको फॉग लाइट का ऑप्शन वहाँ पे दिया गया है। बात कर लेते हैं गाड़ी के जो है आपका म्यूजिक सिस्टम के। तो यहाँ पे आपको जो है हार्मोनियम का जो है म्यूजिक सिस्टम कंपनी ऑफर कर रही है, काफी बड़ा म्यूजिक सिस्टम कंपनी आपको इस व्हीकल में ऑफर कर रही है। और यहाँ पे आपका एंड्रॉइड ऑटो एप्पल कारप्ले आप इसको में यूज कर सकते हैं। साथ में जो इसका जो टच है वो काफी सेंसिटिव है, जैसे ही आप गाड़ी को जो है गाड़ी के इग्निशन को ऑन करते हैं, गाड़ी स्टार्ट करते हैं, तो ये ऑटोमेटिकली आपका जो है 360 डिग्री जो है आपको कैमरा ये दिखा देता है। तो काफी सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से भी दिया गया है। बात करूँ स्विचेस की, तो यहाँ पे आपको जो है ऑटोमेटिक जो है आपका हेडलैम्प देखने के लिए मिलते हैं। तो आप कुछ जगह पे देख सकते हो आपको जो है ऑटोमेटिक हेडलैम्प देखने के लिए मिल जाते हैं। बात करूं अगर जो है ऑटोमेटिक वाइपर्स की, तो यहाँ पे आपको जो है कंपनी ऑटोमेटिक वाइपर्स भी आपको जो है इस वेरिएंट के अंदर कंपनी प्रोवाइड करवाती है। और आप देख सकते हो कुछ आपको जो है ऑरेंज कलर के जो है एसी वेंट्स देखने के लिए मिल जाते हैं, मतलब जो है जो फिनिशिंग दी गई है अंदर जो इंटीरियर की टचिंग दी गई है वो आपका कुछ जो है ब्लैक कलर में और आप बोल सकते हो जो है ऑरेंज कलर में जो है आप टचिंग देखने के लिए मिलती है। अल्ट्रोज की बैजिंग आपको देखने के लिए मिल जाती है, साथ में जो है आपको एम्बियंट लाइट का ऑप्शन भी देखने के लिए मिल जाता है, वो भी कलर आपको जो कलर में मिलने वाली रेड कलर में देखने के लिए मिल जाती है। तो रात में काफी जो है अच्छा इंटीरियर इसका आपको जो है देखने के लिए मिल जाता है, क्योंकि रेड कलर का जो आपको जो लाइट दी गई है आपका एम्बियंट लाइट वो काफी अच्छी लग रही है। वायरलेस चार्जर का भी कंपनी ने ऑप्शन आपको यहाँ पे दे रखा है। तो अगर आप देखते हैं गाड़ी का इंटीरियर को जो आपको जो है इस तरह से देखने के लिए मिलता है, सेंटर कंसोल आपको इस तरह से देखने के लिए मिल जाता है। डैशबोर्ड अगर आप देखते हैं तो डैशबोर्ड आपको इस तरह से देखने के लिए मिल जाता है, आप देख सकते हो बीच में जो है कुछ ग्लॉसी फिनिशिंग का जो है आपको जो है टचिंग देखने के लिए मिल जाती है इसके अंदर। और यहाँ पे थोड़ा सा जो है गाड़ी में जो है लाइट्स जो है ऑफ था, तो इस चक्कर में जो है आपको इंटीरियर ढंग से दिखा नहीं पाया मैं। बाकी कुछ इस तरह से आप देख सकते हो गाड़ी का जो है इंटीरियर ये आपको देखने के लिए मिलता है। अगर बात करें यहाँ पे कोई वैनिटी मिरर नहीं मिलता है आपको, और को ड्राइवर सीट पे आपको जो है वैनिटी मिरर देखने के लिए मिल जाता है कुछ इस तरह से आप देख सकते हो। यहाँ पे स्विचेस दिए गए हैं आपका जो है सनरूफ के लिए, सनरूफ अगर आप देखेंगे तो यहाँ से आप जो है सनरूफ को ऑपरेट कर सकते हैं। और ये कुछ आपको यहाँ पे आपको सनरूफ देखने के लिए मिल जाता है इस वेरिएंट में, जो कि रेसर
टू वेरियंट मैं आपको जो है यहाँ पे दिखा रहा हूँ। तो रेसर टू के लिए अगर कोई प्लान कर रहा है तो आप इस वीडियो को देख सकते हो, काफी हेल्प मिलेगी आपको गाड़ी का इंटीरियर देखने के लिए या फिर गाड़ी के फीचर समझने के लिए। जैसे मैंने आपको पहले बताया था जो है आपका चारों डोर्स पे आपको जो है इंफोटेनमेंट सिस्टम के जो है स्पीकर देखने के लिए मिलते हैं, ट्विटर्स मिलते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो ग्लोव बॉक्स कुछ आपको इस तरह से देखने के लिए मिलता है, आपको लैम्प देखने के लिए मिल जाएगा ग्लोव बॉक्स में, और कुछ स्पेस आपको इस तरह से कुछ देखने के लिए मिल जाती है टाटा अल्ट्रोस रेसर के वेरियंट्स में। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो जो है आपका सिक्स स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन में गाड़ी आती है। तो अगर आप देखेंगे रेसर जो आती है आपका वो सिक्स स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन में गाड़ी आती है। अभी इसमें ऑटोमेटिक ऑप्शन नहीं दिया गया है। यहाँ पे कुछ आप ऑप्शन देखेंगे तो आपको जो है एसी से रिलेटेड ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आपको यूएसबी का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा। 5 वॉट का आपको यहाँ पे जो है चार्जिंग सॉकेट देखने के लिए मिल जाता है आपका, जो कि यूएसबी के थ्रू आप चार्ज कर सकते हैं। यहाँ पे आपको 12 वॉट का जो है एक चार्जिंग सॉकेट देखने के लिए मिलता है। ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल की या कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पे दिए गए हैं और कुछ इस तरह से देखने के लिए मिलता है टाटा रेसर का जो है इंटीरियर। यहाँ पे आपको जो है ड्राइवर आर्मरेस्ट भी देखने के लिए मिल जाता है कुछ इस जगह पे आप देख सकते हैं। यहाँ पे जो है आपको स्टोरेज देखने के लिए मिल जाती है कुछ, आपको यहाँ पे छोटे मोटे जो है आप कॉइन्स वगैरह वॉलेट वगैरह कैरी कर सकते हैं। यहाँ पे आप जो है ग्लासेस वगैरह या फिर जो है कोई भी छोटी सा बॉटल वगैरह कैरी आप कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पे आपको जो है वायरलेस चार्जर भी आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है कुछ इस जगह पे। तो ये तो हुआ गाड़ी के फ्रंट का, लेके चलता हूँ मैं आपको बैक सीट पर, मैं दिखाता हूँ आपको कि बैक सीट पर आपको क्या क्या चीजें देखने के लिए मिल जाती हैं, कैसी गाड़ी रहने वाली है। तो आपको मैं दिखाता हूँ आपको कुछ जो है आपका सी पिलर पे जो है यहाँ पे माउंट मिलता है आपको जो है डोर जो है ओपन करने के लिए। यहाँ पे आपको जो है पावर विंडोज मिल जाती है इंडिविजुअली, और जो है डोर्स पे आपको जो है देखने के लिए मिलेंगे स्पीकर्स एंड ट्विटर्स, और कुछ आपको यूटिलिटी स्पेस दी गई है आपका जो है डोर्स में। और कुछ इस तरह से आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको जो है एड्रेस आपको यहाँ देखने के लिए मिल जाते हैं, वो भी जो है आपका एडजस्टेबल मिलते हैं आपको। तो जो है को ड्राइवर सीट या फिर ड्राइवर सीट और आपका जो है रियर सीट पे दोनों में चारों ही जगह आपको जो है ये एडजस्टेबल देखने के लिए मिलेंगे। लेदरेट सीट्स आपको यहाँ देखने के लिए मिल जाती हैं आपका, जो ऑरेंज है स्टिचिंग के साथ में आती हैं। रेसर की स्ट्रिप जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल रही है, लेदरेट सीट्स हैं। सीट्स काफी कंफर्टेबल हैं, काफी कुशनिंग है। अगर आपको मैं बताऊं यहाँ पे आपको जो है आमरस भी देखने के लिए मिल जाता है, और जैसे मैंने आपको बताया दोनों ही आपका ड्राइवर को ड्राइवर दोनों ही जो है आपका हेडरेस्ट जो है आपको एडजस्टेबल मिलते हैं। रियर में आपको एसी वेंट मिल जाता है, एसी वेंट के पास आपको जो है चार्जिंग के लिए यूएसबी का चार्जिंग सॉकेट देखने के लिए मिल जाएगा। एडजस्टेबल के लिए कुछ आपको जो है नॉब्स मिल जाती है, और आप देख सकते हो चेकआउट कर सकते हो रियर सीट से जो है फ्रंट में आपका जो डैशबोर्ड का जो इंटीरियर है वो किस तरह से जो है टाटा अल्ट्रोस रेसर में आपको देखने के लिए मिल जाता है। कुछ इस तरह से जो है पूरा का पूरा इंटीरियर जो है आपका वो ब्लैक और आपका जो है ऑरेंज कलर में जो है कंपनी आपको ऑफर कर रही है, और तीनों वेरिएंट में लगभग सिमिलर आपको जो है देखने के लिए मिल जाता है। ये वाला 6 एयरबैग के साथ जो है आपको टाटा रेसर कंपनी आपको जो है ऑफर कर रही है, जिसमें आपको 6 एयरबैग मिलने वाले हैं। मैं आपको डायरेक्शन बता रहा हूँ किस किस जगह पे आपको जो है एयरबैग देखने के लिए मिल जाते हैं, और आपका जो है सीट्स पे भी आपको यहाँ पे जो है एयरबैग का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा। मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ कहाँ पे आपको जो है एयरबैग का ऑप्शन मिलता है सीट पे। तो आप देख सकते हो कुछ यहाँ पे आपको जो है एयरबैग आपको जो है यहाँ पे मेंशन हो रखा है आपका एयरबैग की जो है बैजिंग आप देख सकते हो यहाँ पे आपको जो है एयरबैग देखने के लिए मिलेगा कुछ इस जगह पे। रियर में एक चीज और मिसिंग हो गई थी जो मैं बता नहीं पाया आपको, यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको जो है आपको एक आर्मरेस्ट देखने के मिलता है। इतनी प्रीमियम कार होने के बावजूद मुझे लगा आर्मरेस्ट नहीं होगा, बट यहाँ आर्मरेस्ट था, लेकिन जो है आपको इसमें कप होल्डर नहीं मिलता है, यहाँ पे आपको सिर्फ एक आर्मरेस्ट मिलता है अगर आप लॉन्ग ड्राइव पे जा रहे हो तो। ये काफी कन्वीनियंट है आपकी जर्नी के लिए। सीट्स आपका पूरी बेंच फोल्डेबल मिलती है दोनों ही जगह पे आपको जो है ये वाला जो है आपको ऑप्शन मिलता है, बटन मिलता है जिसे आप जो है बगैर आगे की साइड करेंगे और जो है सीट जो है आपका जो है फोल्ड हो जाएंगी। तो बात करें अगर गाड़ी की रियर प्रोफाइल की, रियर प्रोफाइल आपको कुछ इस तरह से देखने के लिए मिल जाती है गाड़ी की। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको जो है अगर मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे आपको जो है लाइट्स का जो है आपको कुछ यहाँ पे नॉर्मल आपको लाइट देखने के लिए मिलते हैं क्रिस्टल हेडलैम्प। यहाँ पे आपको जो है कुछ एलईडी का वर्क आपको देखने के लिए मिलेगा लाइट्स में। आई टर्बो प्लस आपको जो है इंजन का कुछ नाम दिया गया है आपका, क्योंकि इंजन जो है आपका वो टर्बो के साथ आती है आपका अल्ट्रोस। दोनों तरफ आपको जो है पार्किंग सेंसर देखने के लिए मिल जाते हैं। 360 डिग्री आपको जो है कैमरा या माउंट देखने के लिए मिलता है। अल्ट्रोस की कुछ आपको बैजिंग इस तरह से देखने के लिए मिल जाती है, उसके ठीक ऊपर जो है टाटा का लोगो आपको यहाँ देखने के लिए मिल जाता है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आपको जो है टाटा का लोगो कुछ जगह देखने के लिए मिलता है। रियर वाइपर मिल जाता है आपको, रियर डिफॉगर्स आपको यहाँ देखने के लिए मिल जाते हैं, आपका जो है हाई माउंट हेडलैम्प सॉरी आपका टेल लैम्प देखने के लिए मिल जाती है। आपको स्पॉटिसा जो है स्पॉयलर आपको यहाँ कुछ देखने के लिए मिल जाता है रियर में। अगर आप देखेंगे शार्क फिन एंटीना आपको कुछ प्रीमियम लुक देने के लिए यहाँ पे जो है लगाया गया है, और इसी के साथ में जो है वोकल फॉर लोकल की यहाँ आपको बैजिंग देखने के लिए मिल जाती है। तो रियर प्रोफाइल कुछ इस तरह से यहाँ आपको जो है देखने के लिए मिल जाती है, आप देख सकते हो एक बार। और ये कुछ रियर लुक है साइड से अगर आप देखेंगे तो, काफी स्पोर्टी बनाने की कोशिश की है गाड़ी की। जो है बूट की अगर मैं बात करूँ तो बूट यहाँ पे आपको काफी अच्छा देखने के लिए मिल जाता है, काफी बड़ा आपको यहाँ पे बूट देखने के लिए मिलेगा। और बात करें अगर इसमें नीचे की साइड तो आपको जो है यहाँ पे जो है आपका रिफ्लेक्टर देखने के लिए मिल जाता है, टूल्स मिल जाते हैं, साथ में आपको जो है स्पेयर व्हील देखने के लिए मिल जाता है कुछ जगह पे आप देख सकते हो। और टायर साइज की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आप अगर टायर देखेंगे तो टायर की साइज की अगर मैं आपको दिखा देता हूँ, टायर में आपको जो है देखने के लिए मिलता है 14 इंच का जो है आपको जो है टायर देखने के लिए मिलता है, जो कि स्टील रिम के साथ आने वाला है।
तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ जो फीचर्स मैंने बताए आपको वो आपको जो है समझ में आए होंगे। आपको फीचर कैसे लगे कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा। आपको गाड़ी कैसी लगी ये भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इसके अलावा अगर आप कुछ गाड़ी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन अगर आपके हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा वहाँ पे आपके कमेंट्स के आंसर देने के लिए, क्वेश्चन के आपके आंसर देने के लिए। आप मुझे जो है मेरे इंस्टाग्राम पे भी जो है फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम आईडी आपको जो है नीचे देखने के लिए मिल जाएगी, कुछ जगह पे आपको जो है दिख जाएगी। तो दोस्तों वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। चैनल पर अगर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि इसी तरह का मोटिवेशन मिलता है मुझे जब आप सब्सक्राइब करते हैं, वीडियो को लाइक करते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर करते हैं और वीडियोस बनाने के लिए। तो दोस्तों मिलता हूं आपसे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।